बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा। आफ्टर ऑल ये फिनाले से पहले का एपिसोड था तो मजेदार तो होना ही था, यानी कि घर वालों की जर्नी दिखाई गई। जी हाँ, और आज के एपिसोड में घर वाले बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखे तो साथ ही साथ खुश भी दिखे और ऑडियंस के साथ अपनी पूरी जर्नी देखना काफी इंजॉय भी करते हुए नजर आए। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा मजेदार रहा है और साथ ही साथ आखिरी एपिसोड है फिनाले से पहले, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। आपको बता दें कि कल सिद्धार्थ शुक्ला की जर्नी के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर अपने पुराने दोस्तों को गले लगाने के बाद घर में बारी आती है बाकी सदस्यों की पूरी जर्नी देखने का। जी हाँ, यहाँ पर एक एक करके बाकी बचे कंटेस्टेंट अपनी जर्नी को देखते हुए नजर आते हैं। शहनाज गिल अपनी जर्नी के दौरान काफी खुश नजर आती है। इससे पहले कि उनकी जर्नी शुरू हो, शहनाज गिल अपने सभी फैंस को उनके प्यार और इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करती हुई नजर आती है और शहनाज और सिद्धार्थ नाम सुनकर शहनाज गिल काफी खुश नजर आती है। बिग बॉस उनको उनकी जर्नी नरेट करके बताते हैं, जहाँ पर शहनाज गिल अपनी इस पूरी जर्नी को काफी इंजॉय करती हुई दिखती है, जहाँ पर बिग बॉस बताते हैं कि यू आर द एंटरटेनर ऑफ द हाउस, आपकी वजह से इस शो को अलग मुकाम मिला है और आपको हमेशा इस शो के साथ ही याद किया जाएगा। यहाँ पर शहनाज गिल अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय करती हुई नजर आती है, जहाँ पर उनका मस्ती करना, उनका डांस, उनका गिद्दा, उनके जोक, उनकी मिमिक्री करना, पारस छाबड़ा के लिए उनका प्यार, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उनकी दोस्ती और प्यार, सलमान खान के साथ उनकी मस्ती, बाकी घर वालों के साथ उनका धमाल करना, सब कुछ यहाँ पर बिग बॉस ने दिखाया और बिग बॉस ने उनकी जर्नी को जिस तरीके से दिखाया, शहनाज गिल सब के लिए काफी ग्रेटफुल नजर आई और कहा कि बिग बॉस आज जो मुकाम मिला है वो सिर्फ आपकी वजह से है। इसके अलावा यहाँ पर रश्मि देसाई भी अपनी जर्नी को लेकर काफी इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर उनकी जर्नी में दिखाया जाता है शुरू से लेकर उनका अभी तक का सफर, जहाँ पर चाहे वो सिद्धार्थ के साथ शुरुआती दौर में उनकी दोस्ती हो, फिर चाहे लगातार बढ़ते उनके झगड़े हो, देवोलीना के साथ उनकी दोस्ती हो, या फिर हर टास्क में अपने बातों को सही तरीके से रखना हो, या फिर यहाँ पर अरहान खान को लेकर उनका प्यार हो और फिर उनके उस झूठ का खुलासा होना हो, या फिर बाद में हर सिचुएशन में डटकर सामना करना हो और फिर अपने इमोशनल ब्रेकडाउन हो या फिर उनकी दोस्ती हो। इस दौरान रश्मि देसाई को बिग बॉस ने कहा कि आप एक चमकता हुआ सितारा थी और अपनी उस चमक से आप इस शो में भी बेहतरी से चमकी हैं। यहाँ पर पारस छाबड़ा भी अपनी जर्नी को काफी एंजॉय करते हुए दिखे। इससे पहले कि उनकी जर्नी शुरू हो, पारस छाबड़ा अपना डायलॉग बोलते हुए नजर आए, आबरा कडाबरा मैं हूँ पारस छाबड़ा, और फिर शुरू होती है पारस छाबड़ा की जर्नी, जहाँ पर पारस को बिग बॉस बताते हैं गेमर, उनके एंटरटेनमेंट फैक्टर्स के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, शहनाज के साथ उनके फनी और क्यूट मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं, तो वही मायरा के साथ उनकी दोस्ती पर बात की जाती है, सिद्धार्थ के साथ उनके लड़ाई झगड़े, आजिम रियाज के साथ उनके लड़ाई झगड़े और साथ ही साथ आकांक्षा वाला हिस्सा, इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला से उनकी दोस्ती होना और फिर सिद्धार्थ का उन्हें सेव करना और पारस छाबड़ा के कई इमोशनल मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं जिन पर पारस छाबड़ा काफी इमोशनल होते हैं और बिग बॉस का इन सब चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए दिखते हैं। आजिम रियाज भी अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए दिखते हैं। बिग बॉस ने आजिम रियाज की जर्नी को बेहद ही इंस्पायरिंग बताया और कहा कि आप एक अनजान चेहरे थे जिसने इन सब सेलिब्रिटीज के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक मुकाम हासिल किया है। उनकी जर्नी को बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग बताया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस गेम में अपने आप को साबित किया है, कैसे हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी है, कैसे उनके सिद्धार्थ के साथ दोस्ती रही है और किस तरीके से उन्होंने हर कदम पर सिद्धार्थ को सपोर्ट किया। आसिम रियाज को यहाँ पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सुपर मॉडल, और इस दौरान ये मोमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और साथ ही साथ दर्शकों की डिमांड पर आसिम रियाज अपना शर्ट निकाल कर अपनी बॉडी का शो ऑफ करते हैं और इस मोमेंट को अच्छे तरीके से जीते हुए नजर आते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर घर वालों की जर्नी देखने का सफर यहाँ खत्म होता है और फिर इंतजार होता है बिग बॉस सीजन 13 के ग्रैंड फिनाले का। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बताए गए डे 139 की हाइलाइट्स। और इसी तरीके से इस 13 सीजन की और भी बाकी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।